शरद पवार कहते हैं लोकसभा में वीर सावरकर का मुद्दा नहीं है, उनके इस बयान को किस तरह और उस जगह उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे जब ये शरद पवार कह रहे थे वीर सावरकर का मुद्दा। सावरकर उनको नहीं चलता है, औरंगजेब उनको चलता है, उनको भगवा झंडा नहीं चलता है, उनको पाकिस्तान का हरा झंडा चलता है। अब उनसे क्या अपेक्षा करेंगे, उनकी रैली में तो बॉम्ब स्फोट के आरोपी घूम रहे, इकबाल मूसा है, याकूब मेमन के लोग घूम रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा फड़का रहे हैं, अभी क्या उनसे अपेक्षा करेंगे। उनको तो भगवा झंडे का एलर्जी हो गई, अभी वो आरएसएस के झंडे को उन्होंने अपमान किया है, आरएसएस का प्रतिबंध, आरएसएस के झंडे को, आरएसएस जो है ये राष्ट्रभक्तों की एक संगठन है, ये जब जब राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है आरएसएस सबसे आगे रहता है, जब आपदा आती है, महापूर होता है, कोविड होता है, तब आरएसएस के सभी कार्यकर्ता वो सबसे आगे रहते, खुद की जान जोखिम में डाल के काम करते। ऐसे आरएसएस को पर बंदी लगाने की बात, वो उनको ये महाराष्ट्र में घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और उनके अभी जो उनका झंडा है उससे एलर्जी हुई है। ये भगवा झंडा जो है ये आरएसएस का है, ये भगवान श्री राम का है, ये वारकरी का है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है।